दो तीन दिन के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना, हमारे भक्त में कोई जवाब नहीं आएगा ना, तो हम लोग आत्मदहन करने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम उपोषण में बैठ के अपने आप को शरीर एक बर्बाद कर रहे हैं। इससे जय हिंद साथियों, मैं के नैरा फ्रॉम राजस्थान, देश की आवाज, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। आप सभी देशवासियों का वेलकम। और जैसा कि ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि नागपुर महाराष्ट्र का है, और ये जो लड़की जो बोल रही है, ये एसएससी जीडी 2018 की एक स्टूडेंट है। और देखिए, बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज जो है स्थिति ऐसी हो चुकी है, युवा जो है आज डिप्रेशन में है, वो टेंशन में है और आत्मदाह करने के लिए जो है मजबूर है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, इस सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार जो है जागे और युवाओं की तरफ जो है ध्यान दे। ये युवा जो है भारत देश का युवा है, कोई पाकिस्तान से नहीं आया है, और आप जो है युवाओं को मजबूर कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल से जो है ये युवा जो है दर दर ठोकरे खा रहा है, सड़कों पर भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है। आपके नितिन गडकरी जी जो आपके सांसद हैं, आपके जो मंत्री हैं, उनके घर के बाहर जो है पिछले डेढ़ महीने से जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लेकिन आज तक जो है आपका एक भी सांसद, आपका एक भी मंत्री जो है इनसे मिलने नहीं आया, इनका दुख दर्द जो है बांटने नहीं आया। और उसी का नतीजा है कि आज ये युवा जो है इतना डिप्रेशन में है कि आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। और जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, जो युवा है, जो ये जो लड़की थी, इसका साफ कहना था कि जो है अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, अगर सरकार ने अगर हमें आश्वासन नहीं दिया, अगर सरकार ने हमारे से बातचीत नहीं करी, तो हम आत्मदाह कर लेंगे। साथियों सोचिए, और मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि सोचिए हमारे देश की किस तरह से जो है हालात हैं, किस तरह के जो है हाल हो चुके हैं, किस सिचुएशन में हम आज जी रहे हैं। युवा जो है बेरोजगार है, उसके पास डिग्रियां तो है लेकिन नौकरी नहीं है। अब वो डिग्रियों का करे क्या, जब सरकार उसको रोजगार नहीं देगी, सरकार जो है उसको नौकरी नहीं देगी, सरकार जो है नई वैकेंसियां नहीं निकालेगी, सरकार जो है वैकेंसियों को 5-5 साल तक जो है अटका के रखेगी, 5-5 साल तक जो है उनको जो है घुमाते रहेगी, तो आखिर युवा क्या करेगा। जो युवा लाखों रुपये घर से जो खर्च करता है, लाखों रुपए हॉस्टल कोचिंग के खर्च होते हैं, 5-5 साल लगातार जो है दिन रात एक करके जो मेहनत करता है, और आखिरकार उनका जो है फिजिकल मेडिकल टेस्ट अगर हो जाए और उसके बाद अगर ज्वाइनिंग ना मिले, तो सोचिए उसका दर्द क्या होगा। और वही दर्द जो है एसएससी जीडी 2018 के युवाओं का है कि आखिर उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं, जब सरकार के पास वैकेंसी खाली हैं, जब सरकार के पास वैकेंसियाँ हैं, तो फिर इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं। तो ये सवाल जो है सरकार से, और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये युवा जब आत्मदाह कर लेगा, उसके बाद में आप जागेंगे, बाद में आएंगे, बाद में आप सद्भावना प्रकट करेंगे, बाद में जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट देंगे, उससे अच्छा है कि अभी आप जाग जाएं और अभी इन युवाओं से बात करें, उनसे मिलें। आपके नितिन गडकरी जी जो आपके सांसद हैं, उनके घर के बाहर बैठे हैं, एक बार उनको फ़ोन करें और उनको बोलें कि इन युवाओं से जाके मिलें, इनका दर्द जो है साझा करें। और मैं सभी युवाओं से मैं अपील करता हूँ, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी घर में जो है जो युवा हैं आज, वो इस डिप्रेशन की ज़िंदगी आज वो झेल रहे हैं, वो भी जो है नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, क्योंकि हर एक सेक्टर को लगभग प्राइवेट कर दिया गया है, हर एक सेक्टर को जो है निजी हाथों में दे दिया गया है, और जो युवा नौकरी मांगते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको हवालात दी जाती है, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है। और मैं ये झेल चुका हूँ भाई, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जो नौकरी मांगता है, जो आवाज़ उठाता है, जो अपनी आवाज़ को जो है बुलंद तरीके से उठाने का काम करता है, उसको कौन सी परेशानियाँ होती हैं। तो मैं आप सभी साथियों से यही अपील करूँगा, सभी देशवासियों से यही अपील करूँगा कि इनकी आवाज़ को जो है आप बुलंद तरीके से उठाने का काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और सरकार अगर
का अगर कोई भी आदमी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि इन युवाओं से जाके एक बार नागपुर महाराष्ट्र में मिलो, ताकि कोई भी अनहोनी होने से जो है बचें। बाकी आप सभी साथियों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।